नौजवान जब मांग रख रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं तो आप जो है लाठी डंडा बरसाने का काम कर रहे ये उन्नीस लाख वादा करके बताएं कितना नौकरी दी है महारैला बेरोजगारी महारैला जो करने वाले हैं जी तो ये तो उसी का पार्ट है रेल मंत्री अब रेल मंत्री कहाँ आ रहे हैं असली रेल मंत्री तो कोई और है बुरा विज्ञा रेल, ए, ए, रेल अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ मैं हूं आपके साथ सौरभ राज बीते दिनों बिहार में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आंदोलन कर रहे थे कई जगह पे बिहार में तोड़फोड़ नजर आई ट्रेनों में आग लगा दी गई उसके बाद अब जाकर के बिहार शांत है और छात्र भी शांत नजर आ रहे हैं लेकिन जिसका सबसे लंबे समय से इंतज़ार था तेजस्वी यादव को लेकर के इंतज़ार था कि क्या तेजस्वी यादव छात्रों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं तो अब जाकर के तेजस्वी यादव जो लंबे समय से छुट्टियां मनाने गए हुए थे उसके बाद जारी रहेगी जब तक बेरोजगारी दर कम नहीं होता है तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर पहले आप सुनिए सर बिहार में जिस तरीके से आर आरबीपीसी रिजल्ट को लेकर छात्र सड़क पर नजर आए बीते दिनों क्या लग रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया या ऊपर से दबाव आंदोलन कोई खत्म नहीं हुआ है जिस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बिहार में अभियान छेड़ा था चुनाव के दौरान और हम लोगों ने पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोजगारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे तो ये तो बेरोजगारी का ही मसला है और रेलवे को तो लगातार लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं आरक्षण का भी सवाल उठेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है वो अलग विषय है लेकिन जब रेल मंत्री जी कह रहे थे कि एक करोड़ पच्चीस लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं इतनी बड़ी संख्या है तो वो क्या कहना चाह रहे थे वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है पूरे देश में जब बिहार विधानसभा का नौकरी को लेकर के चपरासी का ड्राइवर का प्यून का क्लर्क का जब निकलता है बहाली तो पाँच लाख आवेदन जाते हैं और वो आवेदन देने वाले कौन लोग होते हैं मैम बी बी एस किए हुए इंजीनियरिंग किए हुए बताइए जो एम बी बी एस किया हुआ इंजीनियर पढ़ा लिखा वो आवेदन दे रहा है चपरासी की नौकरी में पाँच लाख की संख्या में जहाँ दो सौ पद खाली हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है ये उन्नीस लाख वादा करके बताएं कितना नौकरी दिए या कितना क्रिएट किए जिसका नौकरी भी था वो भी चला गया 2014 में था कि भाई एक साल में दो दो करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा कहाँ है और आज जब अपने अधिकार के लिए छात्र नौजवान जब मांग रख रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं तो आप जो है लाठी डंडा बरसाने का काम कर रहे तो ये तो लड़ाई है इसमें हमारे पूरे संपर्क हम क्योंकि थे ही नहीं लेकिन जानकारी थी हम लोगों ने राष्ट्र अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने हमने खुद जगदा बाबू से बात करके बोला कि आप ऐलान कीजिए हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करेगा जगदा बाबू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर के और हमारा समर्थन भी रहा लेकिन ये एक दो दिन की बात नहीं है ना और हम लोग जो चीज को लेकर के आंदोलन नहीं बल्कि गांधी मैदान में महारैला बेरोजगारी महारैला जो करने वाले हैं तो ये तो उसी का पाठ है लेकिन इतना तो असली लड़ाई अचानक क्योंकि बंद हो गया सर नहीं बंद नहीं हुआ है बंद जो भी कारण हो बेरोजगारी खत्म हो गई क्या लोगों की परेशानी दुख दर्द खत्म हो गया क्या और ये तो हम लोगों का घोषणा था कि भाई मकर संक्रांति हो जाए उसके बाद जो हम लोग करेंगे फिर बीच में कोरोना का स्थिति आ गया था लेकिन वाकई में सरकार जो है कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रही ऊपर छात्रों पे कई छात्रों पे भी एफआईआर हुआ है, एफआईआर हुआ है हम लोगों पे भी तो हुआ है अगर आपको अधिकार पाना है तानाशाही जो लोग बैठे हैं सरकारों में जी तो वो तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे आपको दबाएंगे आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे मजबूर करेंगे लेकिन नौजवानों ने हमेशा से संघर्ष किया है और जब भी संघर्ष किया है तो उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है तो मुकदमों कर से कौन डरता है जो लोग इमरजेंसी के टाइम में भी कई बड़े बड़े उस तो समय जितने नौजवान थे सब लोग जेल गए मुकदमा गए लेकिन जीत किसकी हुई तो ये नहीं भूलना चाहिए केस मुकदमे से डरना होता तो आज हम लोग घर पे छुप के बैठे होते ना कि बीजेपी और आरएसएस और जो मुख्यमंत्री हैं जो तानाशाह रवैया अपनाते हैं नीतीश कुमार जी जी। उनके प्रति खुल के लड़ते रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है रिपोर्ट दिया जाए अरे सब, क्या लग रहा है इसे मतलब होगा सब सब आई वो शे भा रेल मंत्री अब रेल मंत्री कहाँ रहे हैं असली रेल मंत्री तो कोई और है तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि छात्र आक्रोशित थे रोजगार को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी पार्टी शुरू से इसका समर्थन करती आई है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब वो बाहर थे उसी समय अपने नेताओं से संपर्क किया अपने प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क करके छात्रों के हित में और छात्रों के समर्थन में उतरने के लिए उन्हें आदेश दिया उनका कहना है कि शुरू से इसके ऊपर निगरानी रखे हुए थे और वो आगे भी बेरोजगारों के साथ रहेंगे और उन्होंने पूरी तरीके से केंद्र सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि कब तक रोजगार दिया जाएगा जो उन्होंने चुनाव के समय में वादा किया था दिल्ली से सौरभ राज लाइव सिटीज